So this session is to give you a brief idea about the chapter's weightage and what type of questions would come in the pattern. What are the options? वैसे तो you have started writing your prelims, so you are already aware of that. Still a brief idea about the weightage and the pattern and the number of numericals, reactions, कौन से section में कितने questions वैसे आएंगे. So those things I'm going to discuss here. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट वन फिजिकल केमिस्ट्री, द मेजर वेटेज इफ यू ऑब्जर्व इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अदर्स आर ऑल्सो वेरी क्लोज, बट यहाँ पर 8 एंड 7, दिस इज विथ ऑप्शन, द वेटेज फॉर थर्मो एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज क्वाइट हाई. सो न्यूमेरिकल्स जनरली इन चैप्टर से आने के चांसेस ज़्यादा है, थर्मोडाइनमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इफ यू लुक एट द मार्क्स विदाउट ऑप्शन, सॉलिड स्टेट इज हैविंग द लीस्ट वेटेज. सॉल्यूशंस, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स, ऑल द थ्री हैव द सिमिलर वेटेज. सो यू कैन एक्सपेक्ट द एमसीक्यूज आंसर इन वन वर्ड, 2 मार्क, 3 मार्क और द ब्रीफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कैटेगरी. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी हैव मेनली द पी ब्लॉक, ग्रुप 16, 17, 18, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एंड कोऑर्डिनेशन. ऑलमोस्ट तीनों का वेटेज 6, 6, 5 उतना ही है. ठीक है, तो ये तीनों ही चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड दे आर क्वाइट स्कोरिंग. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देर आर मेनली द रिएक्शंस, जो कि इस साल के लिए एक्चुअली इतना मेजर या एक्सटेंसिव चैप्टर नहीं है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट लास्ट ईयर सिलेबस, वी हैड ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 ऑल टुगेदर, जिसमें से ग्रुप 15 सबसे ज्यादा वास्ट था. तो वो ग्रुप ऑलरेडी 11th में चला गया है, तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू 16, 17, 18 का जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है. दैट इज़ द रीज़न द स्कोरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर शुड बी 100%. इवन ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इनिशियल प्रॉपर्टीज और बाद में रिएक्शंस और लेंथेनाइड्स का छोटा सा पार्ट उतना ही है, तो उस चैप्टर में ज़्यादा करके कुछ है नहीं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा लेंदी है, बट मेजरली अगर आप उनमें से, हाँ वैसे बेस्ड ऑन द रिड्यूस सिलेबस, द पार्ट विच इज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर विच वॉज एक्चुअली अ मेजर पार्ट, दैट इज ऑलरेडी बिंग एलिमिनेटेड. तो एज पर द रिड्यूस सिलेबस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नॉट एक्चुअली अ बिग चैप्टर. इवन दिस चैप्टर यू हैव लाइक 100% स्कोरिंग पॉसिबल. कोऑर्डिनेशन का सी एफ टी वाला पार्ट इज नॉट देयर राइट सिलेबस में. यस सर। देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स और अमाइन्स, ये 4 मेजर चैप्टर्स हैं जिसमें से अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स का वेटेज इज मैक्सिमम, अमाइन्स का लीस्ट है, हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड अल्कोहल्स, फिनॉल्स ऑलमोस्ट एवरेज है. ठीक है, तो अल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स को अच्छे से करके जाना है. इनमें से रिएक्शंस मेजरली जो स्टेप अप रिएक्शंस है या स्टेप डाउन रिएक्शंस है, रोड मैप टाइप ऑफ रिएक्शंस है, वैसे आने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, सो सीक्वेंशियल रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट ऑन दिस कैटेगरी. एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में टुवर्ड्स द एंड वी हैव बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री. अब बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इनमें अभी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके बेसिस पे कंटेंट इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है. फिर भी बायोमोलिक्यूल्स में मेजरली अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड टुवर्ड्स द एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दिस 3 पार्ट इज इम्पॉर्टेंट. टॉकिंग अबाउट पॉलीमर्स, द मोनोमर, पॉलीमर एंड द यूजेस, ये 3 चीज़ों पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं. यूजेस कोई भी चैप्टर का मिस आउट नहीं करना है, बिकॉज इन आंसर इन वन सेंटेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यूजेस के आने के चांसेस ज़्यादा है. और 4 मार्क जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है उसमें भी देर आर चांसेस दैट यू कैन गेट 2 मार्क फॉर द यूजेस इन द सब क्वेश्चन. 4 मार्क के लिए जो सब क्वेश्चन है, सॉरी 4, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसमें जो सब क्वेश्चन है उसमें यूजेस आ सकते हैं. तो यूजेस आप स्किप मत करो,
बहुत स्टूडेंट्स ये यूजेस को स्किप करते हैं, एंड देन व्हेन अ क्वेश्चंस कम इन द सब क्वेश्चन टाइप, इफ यू नो वन हाफ ऑफ द क्वेश्चन एंड इफ यू डोंट नो द यूजेस, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन टू गेट फुल मार्क्स. ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, यहाँ पर ये पूरा फैक्चुअल चैप्टर है. जस्ट ट्राई टू गो थ्रू द टेक्सचुअल क्वेश्चंस, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर. और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशंस प्रॉपरली, द एप्लीकेशंस रिलेटेड टू द नैनो केमिस्ट्री, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. So, for biomolecules, or particularly, so what is the like the most Questions? yes sir because like they ask like very like detailed questions like sometimes like what is this protein or something like what is the structure of this and how many these kind of types of linkages are there or something like that. You are telling in JEE or boards? I mean both. Because I saw one of your papers also, I think there was some detailed question which I couldn't answer. I don't think so. I don't remember exactly. See, amino acids. The glycosidic linkage, that one? I think so, yeah. That is related to disaccharides. Yep. Disaccharides mein mainly jo structural details hai, that is important. You got to do that. इनिशियल पार्ट में देयर इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का छोटा सा पार्ट है, देन डाइसैकेराइड्स एंड देन पॉलीसैकेराइड, बट पॉलीसैकेराइड इज आई थिंक कैंसिल्ड. यस सर, पॉलीसैकेराइड इज कैंसिल्ड. तो आपके लिए सब डाइसैकेराइड्स है, उसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोस, ये चार ही स्ट्रक्चर्स है जो सिलेबस के लिए है. ओके फाइन. एंड देन प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट, सो मेनी अ टाइम्स दे आस्क द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. And towards the end, जो nucleic acids है उसमें DNA, RNA का concept and structure is important. Sir, but they cancel the DNA structure. Structure is cancelled. Oh, J. So, okay. Now difficulty level of questions, level wise ये boards का percentage है. Difficulty level easy 29%, average 49%, and difficult 20% rahega. Matlab 30% is easy, 50% will be average, and 20% will be on the difficult side. Total marks with options is 98. Type wise questions mein, we have MCQs wherein we have 10 in the section A, then very short questions, there are 8. Short answer questions, 2 marks ka. There are 12 questions out of which we have to attempt any 8. So options kafi bhar bhar ke, matlab 12 mein se 8 agar aapko attempt karne hai. So even if you skip a few of the topics, in case you are not well prepared with that, still you will be able to attempt the entire paper properly because options kafi zyada hai. You should take advantage of the options and make sure that at least 80-85% you are 100% well prepared. ठीक है, 12 में से 4 questions आपको options में मिल रहे हैं, that is huge. Similarly, next में भी 12 question में से 8 attempt करने हैं, उसमें भी काफी सारे options हैं. और long answers में भी 5 में से 3 attempt करना है. ठीक है, so it's possible to attempt the whole paper properly and get 65 plus on 70. आराम से पॉसिबल है. अच्छे से प्रिपेयर करो एंड बेसिक प्रिपरेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. बोर्ड्स इतना डिफिकल्ट नहीं है. और एक चीज हमेशा याद रखो, इवन इफ यू नो 50% ऑफ द आंसर एंड यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट एनी अदर ऑप्शनल क्वेश्चन ऑल्सो, देन उसको छोड़ो मत. इवन इफ यू नो 50% और एनी थिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक, मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड राइट समथिंग. It's possible to get partial marks for that particular question. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मान लो आपको कोई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और उसके रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन ना नहीं पता हो, स्टिल वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू नो, इवन इफ इट इज पार्शियली करेक्ट, जस्ट राइट इट, अटेम्प्ट इट, छोड़ो मत. कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. जितना भी नॉन ऑप्शनल पेपर है वो तो 100% आपको अटेम्प्ट करना है. प्लस इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी एक्स्ट्रा इन एनी ऑफ द क्वेश्चन लाइक थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में, देन मेक श्योर दैट यू लीव स्पेस इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ओनली,
मतलब शॉर्ट आंसर्स आपने 8 लिखने हैं और आपको लगता है कि 8 में से एक मेरा बराबर नहीं है, एंड आई नो वन ऑफ द अदर क्वेश्चन ऑल्सो वेल, बट तभी टाइम नहीं है, तो मेक श्योर दैट आप उधर उसके बाद ही यू लीव वन पेज. ऐसा नहीं कि 8 क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट किया, फिर टूवर्ड्स दी एंड आधा घंटा बच गया, आपको लगता है चलो मैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लूँ, तो एंड में वापस आप सेक्शन सी क्वेश्चन 3 उसका 9th अटेम्प्ट कर रहे हो, वैसा नहीं करना. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू असेस दैट. एक चीज याद रखो, जितना एग्जामिनर को आप कम फ्रस्ट्रेट करोगे उतना बेटर चांसेस है आपके स्कोरिंग का. आप पेपर कैसा लिखते हो वो एंटायरली डिपेंड करता है आपके असेसमेंट पे, ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू राइट इट नीटली, यू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब जो जो क्वेश्चन के रिलेटेड, आंसर के रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, तो उनको आप हाईलाइट करो. जो आपको दिखाना है वही दिखाओ, सो दैट जस्ट बाई लाइक ऑब्जर्विंग दोज वर्ड्स ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यस ही और शी यू आर एबल टू लाइक यू नो द आंसर एंड यू हैव रिटन इट प्रॉपरली, वो डायरेक्टली मार्क्स दे देते हैं. दे डोंट हैव मच टाइम टू रीड द एंटायर आंसर एंड गिव यू मार्क्स. और उनके पास जो आंसर शीट रहता है उसमें भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स ही रहते हैं, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है बस उतना अगर आपने ले लिया, जैसे लेट से लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन का इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या होना चाहिए? पहले द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, दैट्स लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है? वो क्यों होता है? इट्स ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स. अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में करके लिखो, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है उसमें दिस वर्ड शुड बी हाईलाइटेड, दिस पार्ट शुड बी हाईलाइटेड कि पुअर शील्डिंग ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स एंड द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक आयोनिक रेडाई, उतना आप दिखा दोगे इट विल बी इजियर फॉर हिम टू असेस द पेपर. क्वेश्चन पेपर पैटर्न ये तो सबको पता ही है, सेक्शन ए में एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप है जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा. सेक्शन बी में 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है जिसमें से 8 अटेम्प्ट करने होते हैं. सेम सेक्शन 3 में 3 मार्क्स, 8 on 12 टू बी अटेम्प्टेड, एंड क्वेश्चन सेक्शन डी में 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना होगा. यूज ऑफ लॉग टेबल इज अलाउड, यूज ऑफ कैलकुलेटर नॉट अलाउड, ये सब बेसिक है, लेकिन जहां पर न्यूमेरिकल्स में लॉग कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है मेक श्योर दैट यू शो इट इन द सॉल्यूशन पार्ट ओनली. आपको रफ वर्क में नहीं दिखाना है, सॉल्यूशंस के पार्ट में ही दिखाना है. जैसे मैंने आपको बताया है एंटी लॉग, लॉग ऑफ एन आर माइनस डी आर, एन आर माइनस डी आर का जो आंसर है फिर उसका एंटी लॉग फाइंड करो एंड देन नेक्स्ट पार्ट में लिखो, ठीक है? और ऐसे न्यूमेरिकल्स जहां पर यू हैव कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जस्ट ब्रेक दैट इंटू सिंपलर पार्ट एंड देन टूवर्ड्स दी एंड उसको सब अक्यूमुलेट करके आप उसका आंसर निकालने का कोशिश करो, इट विल बी बेटर. जैसे केमिकल काइनेटिक्स में आरहेनियस इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया जिसमें आरहेनियस फैक्टर फाइंड करना है, तो मैंने आपको बोला था So that's cancelled. नहीं, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, Oh, तो okay. हैच करके आप उसको ये अलग अलग पार्ट्स में नोटिफाई करो, तो बाद में उसको कवर अप करके टूवर्ड्स द एंड, लाइक नर्स्ड इक्वेशन भी ऐसे ही मैंने बताया है, पहले लॉग का जो रेशियो है वो सॉल्व करो, फिर लॉग लो, फिर उसका जो आंसर आता है वो 0.0592 अपॉन एन के साथ मल्टीप्लाई करो एंड फाइनली जो आंसर आया वो ई नॉट से माइनस करो. दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रेक डाउन, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट टू द करेक्ट आंसर. अभी यहाँ देखो, इन द एमसीक्यूज आउट ऑफ 10 देर आर टू न्यूमेरिकल्स विच विल बी आस्क्ड फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री. दो न्यूमेरिकल्स आएंगे फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट एंड दो थियोरी आएंगे फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री. बाकी जो 6 क्वेश्चंस हैं वो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का रहेगा. फिर वेरी शॉर्ट आंसर में एक न्यूमेरिकल रहेगा और एक थियोरी वाला रहेगा फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री. सो आई एम फोकसिंग ऑन फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर आएंगे और कितने आएंगे, ठीक है? तो इसमें तो वैसे भी ऑप्शन नहीं है, ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, बट देर विल बी 3 न्यूमेरिकल्स इन द ओवरऑल सेक्शन ए. सेक्शन बी में जो 2 मार्क क्वेश्चन हैं उसमें 2 न्यूमेरिकल्स रहेंगे,
तो आपका जो 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है उसमें 2 न्यूमेरिकल वाले तो आप अटेम्प्ट करोगे ही, बाकी 6 है उसमें से मान लो 3 ऑर्गेनिक का रहेगा, 3 इनऑर्गेनिक का, और बाकी जो 4 ऑप्शन है मे बी फिजिकल का रहेगा. तो इफ यू आर इवन कॉन्फिडेंट इन लेट से फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 12 फ्रॉम द सेक्शन बी, इट इज पॉसिबल. बट मेक श्योर कि अगर आप लिमिटेड चीज कर रहे हो तो आप उसको 100% प्रॉपरली करो. तीसरा अगर 19-20 रहेगा तो भी आप मैनेज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक भी हिला हुआ है, इनऑर्गेनिक भी हिला हुआ है और फिजिकल आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू बैलेंस इट. मेक श्योर दैट 2 सेक्शंस आर वेरी मच परफेक्ट, देन इट्स पॉसिबल टू गेट गुड मार्क्स एंड इवन स्कोर 65+ to 70. देन नेक्स्ट में भी 3 मार्क वाले में 2 न्यूमेरिकल्स रहेगा, उसमें भी अगर आप देखो मान लो 12 क्वेश्चन में से इवन इफ वी कंसिडर 4 क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल, 4 ऑफ ऑर्गेनिक एंड 4 ऑफ इनऑर्गेनिक, ठीक है, तो इवन इफ यू स्किप इनऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल, नहीं करना है डेफिनेटली, बट इफ अगर आप स्किप करते हो तो बाकी 2 सेक्शन को मिलाकर भी आप 8 क्वेश्चंस तो 100% अटेम्प्ट कर सकते हो. खाली प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जहां पर ऑप्शन नहीं है, यानी सेक्शन ए में. सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए तो आपको डेफिनेटली सारा सिलेबस करना ही है, जो भी रिड्यूस सिलेबस है, बट बाकी में विद इवन विद द लाइक लेसर प्रिपरेशन और नॉट कॉन्फिडेंट इन वन ऑफ द सेक्शन, इट्स पॉसिबल टू लाइक अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड गेट फुल मार्क्स इन ईच सेक्शन. वैसे ही सेक्शन डी में आउट ऑफ 5 आपको 3 अटेम्प्ट करना है, उसमें 1 या 2 न्यूमेरिकल्स रहेगा इन सब क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 1 से 2 न्यूमेरिकल रहेगा और सब क्वेश्चन में रहेगा. लाइक 4 मार्क में 1 ऑफ द सब क्वेश्चन विल बी थियोरी एंड 1 विल बी न्यूमेरिकल, ये कॉम्बिनेशन में रहेगा. ओवरऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैक्सिमम 15 मार्क का है, जो अगर पूरा न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करते हो तो 17 में से 15 मार्क तो आपका फिक्स हो जाता है, और न्यूमेरिकल हर एक सेक्शन में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है. देन टाइम मैनेजमेंट, टोटल अलॉटेड टाइम, रीडिंग टाइम 10 मिनट्स, आइडियली आपको क्वेश्चन पेपर 10 मिनट्स के पहले दिया जाएगा, आपको रीड करना है एंड देन दैट 10 मिनट्स द आंसर शीट विल बी गिवन एंड 3 आवर्स विल बी गिवन. नाउ देयर इज अ प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग द टाइम लिमिट आल्सो, अभी ये सब प्रपोज्ड है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन इवन गेट 3.5 आवर्स फॉर द एग्जामिनेशन, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता है. आइडियली अगर आपको सब कुछ प्रॉपरली आता है तो आप 2.5 आवर्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, तो बाकी का जो हाफ आवर है जनरली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो टू अटेम्प्ट 1-1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन ईच ऑफ द सेक्शन बी सी एंड डी. ट्राई करो कि आप एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो, सो दैट बेस्ट ऑफ द आंसर्स जो है वो आपके असेसमेंट के लिए सिलेक्ट हो जाए एंड you can score full marks in that particular section. तो हर एक सेक्शन के लिए 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप एक पेज लीव कर दो, एंड मान लो अगर आपको टाइम नहीं मिलता है टू कम बैक टू द क्वेश्चन एंड राइट एन एक्स्ट्रा आंसर फॉर दैट, देन उसको क्रॉस करके ब्लैंक करके लिख लो, ठीक है. ऐसा ना हो कि आपने छोड़ दिया और ऐसे ही छूट गया, आप उसको कैंसिल करना भूलो मत, ब्लैंक करके लिखना जरूरी है. General tips for board examination. You are allowed to enter the examination hall 30 minutes prior. अभी इस साल कैसे होगा? I don't know. Before commencing the actual examination, 10 minutes are allotted for reading and planning. Carefully read the instruction written on the paper, and this is important for this year. कुछ ऐसा instruction हो तो आपको वहाँ पर पहले read करना है. Don't assume that these are all the basic instructions which is already known. ठीक है? तो एक बार जरूर वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करो एंड ऑल्सो लिसन टू द ओरल इंस्ट्रक्शंस व्हिच वुड बी गिवन बाय द सुपरवाइजर. ब्लैक या ब्लू पेन्स ही अलाउड है, ब्लैक इज फेवरेबल, जिनको जैसा कंफर्टेबल है वो लिखो. तो अच्छे से 2-3 बैकअप में पेन्स कैरी करना, पेंसिल्स, जो भी रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारा आपको लेकर जाना है.
और इस साल कोई शेयरिंग वेयरिंग तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो डोंट अज्यूम कि मैं किसी से मांग लूंगा या कुछ, तो आप अपना तैयारी प्रॉपरली करके जाना. स्टार्ट ईच सेक्शन ऑन अ न्यू पेज, नाउ दैट समथिंग इम्पॉर्टेंट. हर सेक्शन नए पेज पे, मतलब आपका क्वेश्चन वन खत्म हुआ तो क्वेश्चन टू नए पेज पे, सेक्शन बी आया तो सेक्शन बी नए पेज पे. ठीक है, अगर एक लाइन भी उसमें लिखा हुआ है और बाकी पूरा पेज ब्लैंक है, छोड़ दो चलेगा, बट नया सेक्शन नया क्वेश्चन न्यू पेज पे होना चाहिए. ठीक है, डू नॉट मिक्स क्वेश्चन फ्रॉम वन सेक्शन इनटू अनदर. ये ध्यान रखना, खास है, इंपॉर्टेंट है. मार्क्स आर ऑलवेज गिवन फॉर एवरी करेक्ट स्टेप ऑफ योर आंसर. अब दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इन टू मार्क क्वेश्चन देर आर लेट से फोर इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. सो फॉर एवरी वर्ड दे अलॉट हाफ मार्क्स. मान लो आपने उन चार एक्सपेक्टेड वर्ड्स में से आपके आंसर में तीन वर्ड लिखा है, यू स्टैंड अ चांस टू गेट वन एंड हाफ मार्क्स फॉर दैट. ठीक है, लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेड वर्ड है और वो आपके आंसर में नहीं मिला, तो फिर द हाफ मार्क और वन मार्क कुड बी डिडक्टेड डिस्पाइट ऑफ यू एक्सपेक्टिंग दैट आई हैव रिटन द फुल आंसर. उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से ही वो लोग मार्क्स देंगे. ठीक है, तो उनका एक प्रॉपर सोल्यूशन रहता है और उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं जो वो लोग ढूंढते हैं आपके आंसर में. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हाईलाइट करो, मेक श्योर दैट यू शो देम व्हाट यू हैव रिटन. जितना नीटनेस रखोगे उतना ज्यादा बेटर चांस है आपके अच्छे स्कोर करने का. ज्यादा कैंसलेशंस वगैरह नहीं करना है. अगर कुछ ज्यादा कैंसलेशंस है तो वो पूरा आंसर आप कैंसिल करके वापस से उस आंसर को लिखो. ऐसा नहीं कि एक ही आंसर में देर आर 5-6 कैंसलेशन, इट विल लुक वेरी डर्टी एंड वेरी इरिटेटिंग. एक सिंपल सा मैं आपको एडवाइस देता हूँ, एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है आपको. अगर आपने एग्जामिनर को, पेपर चेकर को इरिटेट किया तो गेम ओवर, डिस्पाइट ऑफ यू राइटिंग द पेपर प्रॉपरली. बहुत सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं कि स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, 65 प्लस तो मुझे मिलेगा ही, एंड जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो 50-52 के रेंज में उनका स्कोर आया है. तो कहाँ पर वो 15 मार्क गया जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 65 प्लस आने वाला था. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मे बी अनटाइडीनेस ऑफ द पेपर और द वे ऑफ राइटिंग द आंसर वॉज नॉट प्रॉपर. न्यूमरिकल भी रेंडमली कहीं पे भी कुछ भी कैलकुलेशन करके सॉल्व किया गया है, ऐसे नहीं चलेगा. इफ यू आर सॉल्विंग अ न्यूमरिकल इन बोर्ड्स, मैंने प्रॉपर पैटर्न आपको बताया है कि स्टार्ट बाय राइटिंग द फॉर्मूला, उसके बाद अगर गिवन पार्ट आप लिखते हो तो वो बेटर है आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी. उसके बाद प्रॉपर सब्सटीट्यूशन विल गिव यू, सी, हाफ मार्क फॉर द फॉर्मूला, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉर्मूला, इफ देयर इज लॉग कैलकुलेशन हाफ मार्क फॉर दैट, एंड फाइनली हाफ मार्क फॉर द आंसर विद द करेक्ट यूनिट. यूनिट गायब है, आंसर करेक्ट है, हाफ मार्क सीधा डिडक्ट हो जाएगा. हर न्यूमेरिकल में मेक श्योर दैट फाइनल आंसर में प्रॉपर यूनिट्स आपने लिखा हुआ है, वरना अननेसेसरीली आप उसमें मार्क्स लूज करोगे. ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऐसा पार्ट है जहां पे अगर प्रॉपरली सॉल्व किया है विद द प्रॉपर आंसर प्रॉपर यूनिट, यू हैव अ चांस टू गेट फुल मार्क्स. थियोरी में there is like 70-30% probability कि आपको full marks मिल जाए. जैसे मैंने बोला, उनका जो expected words है वो अगर आपके answer में दिखा तो ही आपको पूरा marks मिलेगा. तो अगर आप textbook का pattern follow कर रहे हो तो I don't think there is a problem. Properly follow करो, जैसा लिखा है वैसे try to replicate the same thing. Obviously word to word expect नहीं करेंगे, but जैसे मैंने बोला important words जो है अगर वो आपके answer में है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, आप कैसे भी उसको लिखो, इट्स ओके. इट्स बेटर टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन. हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिखाओ उनको हमने ये लिखा है. व्हाइल ड्रॉइंग द डायग्राम्स और ग्राफ्स यूज HB और 2B पेंसिल, अच्छे से डार्क पेंसिल यूज करना है. Do not use colored pens or pencils. Shading is not necessary. Labeling is compulsory. Basic hai ye. For solving numerical problems, write formula with meanings of terms. Bahut baar kya hota hai ki in the, let's say, solutions wala chapter, we write the molarity ka formula as N2 upon V solve.
अब ये N2 और Vsol हमें पता है क्या है, शायद उनको पता ना हो या कोई और नोटेशन वो लोग यूज करते होंगे, दैट्स पॉसिबल. तो क्या करना है, मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू N2 अपॉन Vsol, वेयर N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Vsol इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. That is how you should write the formula with meanings of terms. ज़्यादा time नहीं लगेगा, but वो लिखोगे तो हमेशा better है. Otherwise, कोई ऐसा formula जहाँ पर कुछ notations हमने अलग use किए और वो कुछ और expect कर रहे हैं, तो फिर generally ऐसा हुआ नहीं है. But in case उन लोग को ना पता हो या वो लोग इसके बारे में जानते ही ना हो, तो फिर they would expect that meanings of terms is written. So it's better that you write it for the formula. जैसे Nernst equation में E of the cell equal to E naught of the cell minus 0.0592 upon N into log to the base 10 bracket R P upon bracket R. तो bracket R को mention कर लो कि it is concentration of the reactant, bracket P is concentration of the products, N is the number of moles of electron lost या gained. E और E naught लिख लो वैसे तो ये normal है, like EMF of the cell and standard EMF of the cell. ठीक है, तो लिख लेने का न्यूमेरिकल्स में, डोंट गिव देम अ चांस. बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज चेक द यूनिट्स एंड कन्वर्ट देम टू स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स. एज आई ऑलवेज से फॉर द न्यूमेरिकल्स, जो आपको यूनिट सब्स्टिट्यूट करना है आप उसको गिवन पार्ट में ही कन्वर्ट कर लो, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा टू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट. ठीक है, जैसे कहीं बार जो किलो जूल्स वाला वैल्यू है उसको जूल्स में कन्वर्ट करना होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करके उसको गिवन डेटा में ही कन्वर्ट कर लो. ठीक है, तो आइडियली यू शुड राइट द गिवन डेटा, व्हाट इज टू बी फाउंड एंड देन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में पहला पार्ट फॉर्मूला, मीनिंग ऑफ द टर्म्स, एंड देन जो कन्वर्टेड वैल्यूज है उसको प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करके लास्ट में आंसर विद द प्रॉपर यूनिट. यूज लॉग टेबल्स प्रोवाइडेड बाई HSE बोर्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. आपको एग्जामिनेशन हॉल में लॉगरिथम्स लॉग टेबल्स प्रोवाइड किया जाएगा, आप अपना यूज नहीं कर सकते हो. Show log calculations on the right-hand side of the respective answers. Now, right-hand side में normally rough work किया जाता है, तो मैंने जो आपको pattern बताया, वैसे आप solution के अंदर ही करोगे, तो कोई problem नहीं है. You show the log calculations in your solution itself. कहीं और दिखाने की ज़रूरत नहीं है. और उसमें क्या होगा कि कुछ भी correction हुआ, तो you can come back to the solution itself and identify what mistakes you have done. Write the units of the final answer, if any. कोई constants होंगे तो शायद वो unitless भी हो सकता है, लेकिन units है तो definitely उसको लिखना है. While writing the chemical equations related with organic chemistry, write catalyst, condition of temperature, pressure, etc. correctly for each reaction. Also write the names of reactants and products below each formula correctly. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी reaction हो, मान लो आपका named reaction Sandmeyer है, ठीक है, तो Sandmeyer में there is diazonium chloride reacted with CO2Cl2HCl, वो एरो पे आपका catalyst और reagent हो गया, and then it gives you the chlorobenzene plus N2 and HCl. आपका मेन रिएक्टेंट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, मेन प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, नाम उनके नीचे होना चाहिए. Cu2Cl2 as catalyst, that should be written. ठीक है, डाउस प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन है 2-3 एटमॉस्फेयर एंड 698 केल्विन, 623 केल्विन सॉरी. तो वो सारे कंडीशंस जो है वो प्रॉपरली मेंशन करना है. अगर आप उसके रिलेटेड थियोरी ना भी लिखो चलेगा. What they look is only at the reaction. If your reaction is correct, theory doesn't matter, because जो आपने लिखा है उसी को आप statement में convert करते हो, ठीक है. और अगर एक mark का कोई reaction है तो उसमें statement या theory नहीं लिखना है. You should just write the reaction, only reaction, but properly mentioning reactant, product, conditions on the arrow. While attempting the paper, first only solve the required number of questions, yani without option. If you wish to solve additional question, you can solve them at the end of the paper, but write them under the correct section only. Towards the end, but write them under the correct section only. और उसके लिए आपको पहले से आधा पेज या एक पेज लीव करना पड़ेगा, और अगर वो यूटिलाइज नहीं करते हो तो उसको कैंसिल करना मत भूलना. Towards the end, कैंसिल करके ब्लैंक लिख के
छोड़ना, वो भी इम्पोर्टेंट है. While attempting multiple choice questions, write only the option number followed by the correct answer. MCQs में let's say one का answer C है और C जो है उसका let's say answer 5 है, तो 1, C and 5. या ebullioscopic constant है तो 2 का B ebullioscopic constant. ठीक है, तो खाली उतना ही लिखना है, MCQ में पूरा पूरा question की जरूरत नहीं है. Keep a track of time throughout the paper. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि अगर आपको न्यूमेरिकल में स्टक हो जाते हो तो उसको करते जाओ एंड यू डोंट सी द टाइम. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद अगर आपको लगता है ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है, कुछ मिस्टेक्स आ रहा है, छोड़ दो उसको. टुवर्ड्स द एंड अगर टाइम मिले तो वापस आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, मिस्टेक समझ के उसको करेक्ट कर सकते हो. Don't tend to like waste much time on a particular question, चाहे वो numerical हो या कोई और चीज हो. General tips, before examination plan your studies systematically. आपके पास जो holidays है उसको proper systematic utilize करो, कि कोई चीज अगर आपका अभी नहीं हुआ है तो towards the examination आप उसको कैसे manage करने वाले हो, थोड़ा planning अभी से करके रखो, it will be better. Read and revise the textbook several times. GTB is very important. तो उसके textual questions, जो in-text questions हैं, only for the reduced syllabus, उतना तो आपको करना ही है. That are the basic requirements for your preparation. Memorize the definitions accurately as given in the textbook. Don't use your own words in the definition. Now this is what they expect in the boards. Definitions हैं, तो वो as per the textbook का language ही होना चाहिए. फिर भी लाइक कुछ कुछ एग्जामिनर्स अगर प्रॉपर इसका मतलब है, इफ यू हैव नॉट चेंज द मीनिंग रिलेटेड टू द डेफिनेशन, दे टेंड टू गिव फुल मार्क्स. बट एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसा लैंग्वेज टेक्स्टबुक में दिया है, डेफिनेशन के लिए 19-20 नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट. स्टडी ईच सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम द टेक्स्टबुक. ये मैंने सारे फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स के लिए करवा दिया है, सॉल्व्ड वाले सब मैंने करवाए हैं. अनसॉल्व जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और मेनली जो न्यूमेरिकल्स टेक्सटबुक के हैं वो तो आपको बेयर मिनिमम करके जाना है. डाइजेस्ट में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, उसको मैंने बोला था रैंडमली पिकअप करके आप सॉल्व करने का ट्राई करो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस न्यूमेरिकल्स के लिए इंक्रीज हो जाए. प्रैक्टिस एंड मेमोराइज ऑल द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस गिवन इन द टेक्सटबुक, दोज इवन गिवन इन द बॉक्सेस. बॉक्सेस यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो दिए हैं वो भी प्रॉपरली करने हैं, उनके चांसेस 1 मार्क क्वेश्चंस के आने के लिए ज्यादा है. 1 मार्क वाला सेक्शन ए में है ना, उनमें ये टाइप जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस बहुत हाई है. मेक श्योर दैट हर चैप्टर का वो क्वेश्चंस आपका बेयर मिनिमम हुआ ही रहेगा. स्टडी एंड मेमोराइज ऑल द स्ट्रक्चर्स मेंशनड अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Study with special care, IUPAC nomenclature of inorganic and organic chemistry. So inorganic yani coordination ka nomenclature hai. Organic matlab apne jo 4 major chapters hai organic ke, unka IUPAC. Usme bhi questions aate hai aur wo bahut simple hote hai. Bahut straightforward jo IUPAC ke rules hai uske basis pe questions aate hai. But isme to definitely scoring is 100% possible. That's it. All the best. Thank you, sir. Any queries? So they don't really ask diagrams, no? I mean, only for the cells, like in electrochemistry. There is a possibility, but cells are cancelled for the syllabus, right? Yes, sir. But hydrogen cell. अगर SHE है तो सिर्फ SHE का diagram आ सकता है 2 marks के लिए. Draw neat labeled diagram of SHE or calomel electrode. ये आ सकता है. मतलब कहीं बार बहुत छोटा क्वेश्चन 2 marks या 3 marks के लिए भी पूछ लेते हैं, और कहीं बार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 1 mark के लिए भी पूछ लेते हैं, तो वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे डिफर करता है.
लेकिन मान लो अगर टीवी और ओवी के रिलेटेड 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आपको टीवी और ओवी को डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा. इफ द क्वेश्चन हैज मेंशन ड्रॉ द टीवी एंड ओवी देन ओनली द डायग्राम विल बी एक्सपेक्टेड. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बोला है तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, मे बी अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा तो. ओके सर, सो देन वी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड डिफाइन टेट्राहेड्रल रोइड. If only diagram is asked, then just draw the diagram and correct notations दे दो कि ये layer A है, ये layer B है, और उसमें जो void generate हो रहा है, that is the TV or the tetrahedral void. Okay, so no, but I was asking for the 3 mark as you were saying. So we draw the diagram with the definition, not then. Yes, definition okay. And explanation. Why the TV is generated with the 4 atoms? Why the OV is generated with the 6 atoms? जैसे एक्सप्लेनेशन okay, है ना टीवी ओवी का, okay, तो मार्क्स के लिए एक्सप्लेनेशन विल बी रिक्वायर्ड. ओके सर, वेटेज के ऊपर आप डिसाइड करो कि कितना कंटेंट आपको लिखना है. अगर आपको लगता है बहुत छोटा सा पार्ट है और वो 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया, तो उसके अलावा जो भी रिलेटेड डिटेल्स है या एक्सप्लेनेशन है दैट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज टू बी रिटन. आप स्किप नहीं कर सकते उसको. ओके सर, so apart from that what other diagrams come like for drawing like electrolysis and if this I go TV chapter by chapter, then solid state mein se unit cells ke diagrams can be asked, rhombohedral okay, or uske type of unit cells, this type of questions can come from solid state. Uske baad solutions mein jo osmotic pressure ka diagram hai RO wala, osmotic pressure and reverse osmosis, yeah, wo pucha ja sakta hai. Then coming to thermodynamics, thermodynamics में graphs आ सकते हैं about the 4 processes. Only graphs पूछे जा सकते हैं, तो वो मतलब as a diagram आ सकता है. बाकी thermo में as such कोई diagrams नहीं है. Electrochemistry में बहुत सारे हैं, लेकिन part of the syllabus is cancelled. तो जैसे SHE और Calomel इनके ऊपर questions आ सकते हैं. Kinetics में there's no part जहाँ पे diagrams हैं. Graphs. हाँ, again graphs related आ सकता है, but diagram as such नहीं है. Metallurgy में Allingham diagram के related आ सकता है, और उसमें बहुत सारे और processes हैं. Cancelled है ना Allingham diagram पूरा cancelled है. Metallurgy is cancelled fully. Full metallurgy is cancelled. ठीक है, तो हाँ मतलब वो cancelled है. फिर आपका ज्यादा इनऑर्गेनिक में तो कुछ है ही नहीं. DNF, P block, उसमें सारे only about the chlorine oxo ions. हाँ, तो oxo acids तो definitely आ सकते हैं. Oxo acids और वो सबसे important part है oxo acid. Don't skip that. तो 100% directly या indirectly कुछ ना कुछ question तो आएगा ही. It's possible. Okay sir. Organic वगैरह में भी कुछ diagram. तो diagram as such physical chemistry में थोड़े बहुत है, ज्यादा है भी नहीं. ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स देखो तो वो भी बहुत लिमिटेड है, एंड दैट इज मेजरली इन द चैप्टर हैलोअल्केन्स एंड अल्कोहल्स. एल्डिहाइड कीटोन्स में देयर इज ओनली अल्डोल कंडेंसेशन जिसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, या NAR का जनरल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिलेटेड मैकेनिज्म, उतना ही है. मेजरली अगर मैकेनिज्म देखोगे तो ज्यादातर वो 2 ही चैप्टर्स में है. और केनिजारस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट? या या. That's what I'm saying. Named reactions तो हर एक आपको करके जाना है. Non-named reactions अगर आप एक दो नहीं भी करते हो चलेगा, but named reaction का पूरा एक list बनाना है और वो आपको करना ही है. I'm 100% sure that at least 2 named reactions, 2 से 3 named reactions जो है वो अलग अलग sections में पूछे जाएंगे, और वो trend रहा है इतने सालों का. Named reaction तो पूछते ही है. ठीक है, और बस अप्लाइड केमिस्ट्री रिलेटेड बायोमोलिक्यूल्स जो है या ओनली स्ट्रक्चर्स ना. हां, स्ट्रक्चर्स रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, बट स्ट्रक्चर रिलेटेड डायग्राम्स या फिर आपका जो लैक्टोज माल्टोज है वो सब आ सकता है. एंड सम मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स द लास्ट ना, लाइक फॉर SBRN, आइसोप्रीन, नियोप्रीन. Yes. Yes, sir.